जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम के बारे में आपको एक वीडियो दी थी, तो काफ़ी सारे जो है कैंडिडेट ने कमेंट भी किया है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम लेना चाहिए, यानी कि फिर से जो एग्ज़ाम लीक हुआ है वीडियो का उसको फिर से जो है एग्ज़ाम कराना चाहिए। बहुत ही बड़ी जो है गड़बड़ी हुई है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनका यूपी ट्रिपल एससी वालों का, तो पर्चा लीक हो गया, कोई भी तैयारी नहीं होती। आखिर 5 साल बाद एग्ज़ाम को कराया जाता है, उसके बाद भी जो है एग्ज़ाम लीक हो जाता है, यानी कि 14 सॉल्वर पकड़े गए हैं और 14 सॉल्वर पकड़े गए उसके बाद भी जो है कोई भी एक्शन अभी तक नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी नोटिस नहीं दिया कि एग्ज़ाम मतलब री एग्ज़ाम दोबारा से होगा कि क्या होगा, कुछ नहीं है, ऐसा अपडेट कुछ भी नहीं अभी भी दिया गया है। तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर एग्ज़ाम होने चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया, आप देख सकते हो। और आप देखिए कमेंट तो किया कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि यार गड़बड़ी तो हुई है और काफ़ी मात्रा में लोग सॉल्वर पकड़े गए हैं। तो जो भी छात्र यार सालों से लगा है या सोचता है कि अब अच्छा 5 साल बाद एग्ज़ाम ले रहा है, जिनकी तैयारी अच्छी थी, तो उनका क्या होगा, उनका तो मतलब वो तो गए बिल्कुल भी, जो सॉल्वर पकड़े गए उनके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब बाद में बता दूँ आखिर होगा क्या। देखिए अभी आपने 69,000 वैकेंसी देखी है, ठीक है, उसका क्या हुआ, कोर्ट केस हुआ, आखिर में क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट आया। मैं ये अपना अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं बाकी आप लोग क्या करते हो, बाकी डिपार्टमेंट क्या करता है वो उसकी बात अलग है, लेकिन अभी जो तो होता हुआ आ रहा है मैं आपको उसका रूबरू करा हूँ, यानी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 69,000 हो गया, अभी जो आपका जो UPSI का जो आपका वैकेंसी निकला था उसका भी क्या हुआ, कोर्ट केस हुआ, आखिर जो है फाइनल रिजल्ट भी उसका घोषित कर दिया गया, ठीक है। आखिर अब बहुत लोग तो ये भी कमेंट किया कि कोर्ट केस करेंगे, ये वो करेंगे, तो आप हो सकता है कि कोई भी वो यानी कि UPSI वालों का जो है उस पर कोर्ट केस कर दिया जाए, तो उसमें भी क्या नतीजा निकलेगा मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो कुल मिला पहले से बता देता हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि उनका भी नतीजा यही निकलना है। UPSI देखा, 69,000 वैकेंसी देखा, सब में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, आखिर फाइनल रिजल्ट दे दिया गया ना, रिजल्ट दे दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है इसमें भी ऐसा ही हो। तो सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और बस यही कहता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि वो क्लियर हो सके आपका। और रही बात इसकी UPSI वीडियो एग्ज़ाम के लिए, बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई यार अगर कोर्ट केस होता है तो बस यही, आप पिछली वैकेंसी जो निकली है UPSI हो गया 69,000, सबका रिजल्ट जारी किया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है अगर कोई कोर्ट केस कर भी देता है तो यही इसमें भी नतीजा निकलने वाला, तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, मैं यही कहना चाहता हूँ सीधी बात। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद जय भारत।